Hey guys, Dr. Devendra Rathore here. Welcome to Modern Health and Nutrition. Today we are talking about the Omicron status of India. देखा जाए तो अभी कुछ दवाइयाँ अप्रूव हुई हैं और कुछ नए वैक्सीन्स अप्रूव हुए हैं, साथ ही साथ अभी न्यू नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट ईयर से ऑब्वियसली एक कुछ ही दिन बाकी हैं 2022 3 जनवरी 2022 से स्कूलों में भी शायद वैक्सीन लगने की संभावना है। 15 से 18 साल के बच्चों को स्कूलों में वैक्सीन लगेगी और कौन सा वैक्सीन लगेगा ये वहीं पर बताया जाएगा और कौन सा वैक्सीन आपको लगवाना चाहिए दैट्स योर चॉइस, बट ये है कि आप वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। अब बात करते हैं कि ओमिक्रॉन इतना ज़्यादा सक्रिय क्यों रहता है। इसके स्पाइक प्रोटीन में ज़्यादातर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुए हैं और स्पाइक प्रोटीन एज कम्पेयर टू प्रीवियस वेरियंट बड़े हैं, तो उसमें ये देखने को मिलता है कि इसकी एक तरह से ट्रांसमिशन रेट बहुत ज़्यादा है। तो ट्रांसमिशन रेट होने से इसका जो प्रचार प्रसार होता है बहुत ज़्यादा होता है ऑब्वियसली, तो और साथ ही साथ एक चीज़ ये देखने को मिलती है कि इसका जो प्रभाव है एज कम्पेयर टू डेल्टा वेरिएंट एंड अदर वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस बहुत कम होता है। 70-80% लोगों में हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वेरिएंट ऑफ कोविड वायरस। अब बात करते हैं कि अभी क्या स्टडीज चल रही है। एक स्टडी में देखने को मिला है कि नई एक मेडिसिन आई है मालनोपिरावीर फॉर इमरजेंसी यूज के लिए हमें दे दी गई है। इंडिया ने नियर अबाउट 26358 कोविड केसेस और 293 डेथ्स इन 24 आवर्स में देखने को मिली है। अगर इसके बारे में अगर हम ज़्यादा बात करें कि कहां पर हमें ज़्यादा केसेस हमें देखने को मिले हैं, तो इटली ने सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिले हैं 78,000 अप्रॉक्स, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है। और साथ ही साथ अगर हम देखें नीदरलैंड ने, तो उन्होंने बोला है कि ये बहुत ज़्यादा डोमिनेंट स्ट्रेन है। और गुजरात को लगभग नियर अबाउट 394 केसेस कोविड केसेस देखने को मिले हैं जून 14 से अब तक का हाईएस्ट डेटा है गुजरात का, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखने को मिली है पर्टिकुलर। और पंजाब ने 15 जनवरी के बाद से पब्लिक प्लेस पर एंट्री बंद कर दी है जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगे हैं, ठीक है, तो ये एक चीज़ है। और मुंबई में नियर अबाउट 1377 केसेस हमें देखने को मिले हैं और केरला में नियर अबाउट अगर देखें 64 केसेस न्यू केसेस मिले थे और 7 मोर ओमिक्रॉन केसेस आज हमें उसके अंदर निकले हैं। स्टूडेंट्स को भी काफ़ी जगह से स्टूडेंट बिलासपुर में और कई जगह पर केरला में और देखें महाराष्ट्र में भी स्टूडेंट्स को निकलने की स्टूडेंट्स भी संक्रमित मिल रहे हैं, तो क्या स्कूल वगैरह बंद हो सकते हैं आगे आने वाले टाइम में, वॉट एवर ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, लेकिन अभी का डेटा यही कहता है कि अब केसेस हल्के हल्के बढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या कारण हो सकता है, कारण कुछ भी हो, लेकिन अगर हम देखें कि जब भी हल्का सा भी टेम्परेचर अप होता है तो केसेस बढ़ते हैं, टेम्परेचर डाउन होता है तो केसेस की कमी आती है, या फिर कुछ ऐसी जगह पर ऑब्वियसली इस टाइम पर तो केसेस बहुत कम थे पिछले साल और इस ग्राफ बिल्कुल नीचे नीचे होता 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 फिर है ना फरवरी से बढ़ने लगा था, लेकिन अभी के टाइम पर हम इसलिए नहीं बोल सकते कि पिछली बार जैसा ग्राफ पैटर्न हमें मिल रहा है देखने को, लेकिन लोवेस्ट पैटर्न पर मिल रहा है, लोवेस्ट पॉइंट पर मिल रहा है। इस कारण इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि मैक्सिमम पीपल जो रहते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक रहते होंगे तो उनको सिम्टम्स नहीं दिखते हों, ठीक है। और कुछ लोगों में ये भी समस्या मतलब एक कंडीशन होती है कि वैक्सीनेटेड हैं तो ऑब्वियसली ये एक पॉजिटिव पॉइंट मिल सकता है, इस कारण से थोड़े केसेस हमें कम देखने को मिले हैं, ठीक है। तो एज पर द ऑल रिकॉर्ड्स हम एक चीज़ राहत की बात यह है कि ओमिक्रॉन इज़ नॉट अ ड्रेडफुल वायरस, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं, लेकिन पहली चीज़ आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो वैक्सीन लगवाएं, अगर आप पब्लिक प्लेस पर जाते हैं यूज़ योर मास्क, ठीक है, मास्क कभी भी लोग नहीं पहनते हैं, ठीक है, तो मास्क बिल्कुल आपको पहनना है और साथ ही साथ हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना है। तो होप सो ये ज़रूर आपको ये तीन चीज़ें तो फॉलो करना ही करना है, वैक्सीन मास्क और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है ये तो आज तक बताने की ज़रूरत नहीं है, अपन 2 साल से सुनते हुए आ रहे हैं और ठीक है, और मतलब थर्ड वेव आने वाली है या फिर वट एवर आएगी या जो भी होगा, लेकिन लोगों का जो व्यवहार है अभी भी क्लिनिक पर आते हैं मैक्सिमम पेशेंट्स आर नॉट वेयरिंग मास्क, ठीक है, तो बहुत कंडीशन ऐसी देखने को मिलती है, तो बहुत मतलब रिडिकुलस राइट नाउ। सो हमें मास्क देना पड़ता है व्हाट फिर टेम्परेचर चेक एंड ऑल काइंड ऑफ स्टफ एंड आफ्टर दैट दे एंटर इनटू द क्लिनिक, ओके। सो होप सो आप ये सब चीज़ें ध्यान में रखेंगे। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो इसे अच्छे से शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को ताकि आने वाले सारी हेल्थ अपडेट्स और हेल्थ न्यूज़ आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद जय भारत।